Hi, sweet angels. So today we are going to do a very short basic thing which is to be learned about computer. मतलब कि हमें ये खाली दिखा रहे हैं कि एक कंप्यूटर में लेटर्स मतलब एक कीबोर्ड में या फिर एक टैबलेट में लेटर्स अपने ए टू जेड के जो पूरे अल्फाबेट होते हैं वो कैसे होते हैं और उसमें कैसे प्लेसिंग होती है वो बताया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Letters on a tab and computer keyboard. Find, read and use. So यहाँ पे हमें एक tablet दिया गया है angels. और ये छोटा सा होता है tablet. और आजकल तो mobiles भी tablet जैसे ही होने लग गए हैं. So इसमें क्या होता है ना angels की typically A B C D E F G ऐसे line या order से नहीं होते हैं letters. इसमें लेटर्स स्कैटर्ड होते हैं, ए इधर, बी इधर, सी इधर, डी इधर, ई इधर, एफ इधर. और अगर आपको कुछ भी टाइप करना है, इन लेटर्स से वर्ड्स बनाने हैं, जोड़ना है इनको, तो आपको टाइप करना आना चाहिए. तो वो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा. तो अगर आपको बन लिखना है या आपका खुद का नाम, सपोज अगर आपका नाम है प्रीति, सो आप पहले लिखेंगे पी आर ई ई टी आई प्रीति. ऑल राइट. सो इसमें अगर आपको फास्ट फास्ट टाइपिंग करनी है ना तो आपको रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी और रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे ये दिखाया गया है. और फिर ये है एक कीबोर्ड जैसे लोग कंप्यूटर्स भी यूज़ करते हैं. ये तो एक छोटा सा टैबलेट है पर लोगों के घर में कंप्यूटर भी होता है राइट, जो टीवी के साइज़ का होता है. तो उसमें कीबोर्ड होता है. तो ये कीबोर्ड अलग से होता है और ये कीबोर्ड में भी ना एंजल्स ऐसे ही लेटर्स दिए होते हैं और नंबर्स होते हैं और अपना प्लस माइनस का भी साइन होता है और कॉमा है और सब कुछ है, फुल स्टॉप है और भी सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम एक कीबोर्ड से कर सकते हैं. नंबर्स लिख सकते हैं, 1 2 3 सब कुछ है. और शिफ्ट बटन, कैप्स लॉक बटन, टैब बटन, मतलब इसमें आपको सीखना होगा. तो यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपके पास कंप्यूटर है या फिर तो कंप्यूटर कीबोर्ड है तो हम कैसे टाइप कर सकते हैं. और कंप्यूटर में एक वर्ड फाइल होती है जिसमें हम राइटिंग कर सकते हैं. टाइप द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन योर पेरेंट्स मोबाइल और कंप्यूटर. तो आप ये जो टाइपिंग है जो आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है करने के लिए आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं और कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं. तो हमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक सेंटेंस दिया मतलब एक एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस दिया गया है कि हमें लिखना है ताकि हम टाइपिंग कर सकें. लेकिन आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंजल्स. सो लेट्स रीड द सेंटेंस. द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग. मतलब एक ब्राउन फॉक्स ने एक आलसी डॉगी पे जंप किया. So this is a simple sentence and you have to type and write it. Children can mimic typing on the keypad or keyboard shown here in the classroom itself. So बच्चे ये स्कूल में भी कर सकते हैं अगर उनका मन है तो. Allow them to do more typing using their own ideas. तो बच्चों को allow कीजिए typing करने के लिए और अपनी खुद की ideas उनको एक्सप्लोर करने दीजिए. ऐसा इस छोटे से जो लर्निंग चीज़ बताई थी उसमें कहा गया है. सो एंजल्स अगर आपके पास घर में साधन है और अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा. और टाइपिंग करने की और कंप्यूटर है तो और भी अच्छी बात है. आप उसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा टाइपिंग करने की एंड आई एम श्योर आपकी टाइपिंग फास्ट हो जाएगी अगर आप रोज़ इसे प्रैक्टिस करेंगे. So, bye for now. See you in the next lesson.